वेलकम दोस्तों, आपको स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल मेडिकल टैग में। तो आज आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है डेक्सोरेन सिरप के बारे में, क्या साइज में मार्केट में अवेलेबल है, इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसमें ड्रग होता है यानी कि इसका कंपोजिशन क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करें डेक्सोरेन सिरप के साइज़ की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 200 ml के साइज़ में ये मार्केट में अवेलेबल है। बच्चों के लिए ये सिर्फ 100 ml में भी आता है और यहाँ पर कैप्सूल भी अवेलेबल है मार्केट में। सिरप कैप्सूल जो भी आपको डॉक्टर प्रेफर करे आपको वो ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर कंपोजिशन की। तो अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो जैसा कि सिरप में भी लिखा है, इसका कंपोजिशन आपका फॉलिक एसिड है, साइनोकोबालमिन है और यहाँ पर आयरन होता है। हम बात कर लेते हैं इसको यहाँ पर कब यूज़ करना चाहिए। यह एक तरह का न्यूट्रिशन हेल्थ सप्लीमेंट है। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर प्रेफर करता है डेक्सोरेन सिरप को। तो अगर इस टॉपिक पे बात करें कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी कैसे हो जाती है, तो अगर हमारे खाने में प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन नहीं होते तो उससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। आपने नाम सुने होंगे WBC, RBC। तो यहाँ पर जो हमारा RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, और यहाँ पर सेल प्रोडक्शन रुक जाता है, इससे शरीर की ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या इस डेफिशिएंसी से ओवरकम होने के लिए डॉक्टर हमको डेक्सोरेन सिरप प्रेफर करता है। तो बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर डोजेस की बात कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर एडल्ट होता है उसको 1 टेबल स्पून ट्वाइस इन अ डे, और जो बच्चे होते हैं उनमें डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। वैसे तो यहाँ पर एडल्ट के लिए तो इस सिरप पे लिखा ही है डोजेज फॉर एडल्ट, तो यहाँ पर लिखा ही है। उसके अलावा बच्चों के लिए डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों में खासकर इस सिरप का यूज़ किया जाता है भूख बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमेशा डॉक्टर ने जितना आपको बोला है उतना ही आप इसको यूज़ करें, ज़्यादा नहीं पिए। तो बात कर लेते हैं अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके शरीर पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप इस सिरप का ज़्यादा यूज़ करोगे तो जैसा कि मैंने आप फॉर्मूला आपको बताया, कंपोजिशन इसमें आयरन होता है, तो आपके शरीर में आयरन की यहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो अगर आपके शरीर में आयरन की ओवरलोडिंग होगी तो उससे आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। उनमें से कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर वीकनेस होगी, लेक ऑफ एप्टीटाइट, भूख कम लगने लगेगी। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर ने जितना डोज़ बताया, जितनी ड्यूरेशन बताई है, तभी तक इस सिरप को पिए, बाकी डॉक्टर की सलाह से इसको यहाँ पर बंद कर दें। सावधानियों की बात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर या तो ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेगनेंसी है या किसी भी टाइप की कोई भी लीवर में, किडनी में शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को होती है, BP वगैरह कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इसको डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से ख़रीद कर ना पिए। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर लिखवाने के बाद ही इस सिरप को यूज़ करें, जिससे यहाँ पर ड्रग का इंटरेक्शन आपस में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कोई शुगर की गोली खा रहे हैं और आपने ये पी ली, ड्रग इंटरेक्शन से कुछ यहाँ पर रिएक्शन हो जाए और आपको उसका इफ़ेक्ट हो जाए, इसलिए डॉक्टर को पहले बताएं आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, और डॉक्टर अगर आपको ये सिरप प्रेफर करें तभी आप इस सिरप का यूज़ करें। बात कर लेते हैं अगर हमारे शरीर में आयरन की यहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाएगी तो उससे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी। अगर आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब यहाँ पर इस ड्रग से, यानी कि आयरन, फॉलिक एसिड या साइनोकोबालमिन का दूसरा नाम विटामिन B12 होता है, इन ड्रग से कोई ना कोई यहाँ पर एलर्जी है। तो जिस भी डॉक्टर ने आपको लिखी है उसको जाकर जरूर बताएं कि मेरे को इस टाइप की एलर्जी हो रही है या ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, जो भी मैंने यहाँ पर बताया। अब अगर स्टोरेज की बात करें तो सिंपल इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, ज़्यादा या तो फ्रिज में भी नहीं रखें या बिल्कुल ही कहीं गर्म जगह पर भी इसको ना रखें। बच्चों से इस सिरप को दूर रखें, शायद बच्चे धोखे से पी लें या और कुछ यूज़ कर लें, तो बच्चों से इस सिरप को थोड़ा दूर रखें। जब भी आप इस सिरप को ख़रीदने जाएं तो इसकी यहाँ पर जैसा कि ये बोतल है तो इसकी सील चेक करें, सील पैक होना चाहिए। एक्सपायरी तो हमेशा आपको देखना ही है कोई भी, या अगर आप टैबलेट कैप्सूल वगैरह ख़रीदने जा सकते हो तो देखिए उसकी स्ट्रिप कहीं से खुली तो नहीं है या टैबलेट फूली हुई तो नहीं है, ये सारी बातें ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेक्सोरेन सिरप एक तरह का यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, तो लाइफ भर तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे शरीर में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो हम उसको नेचुरली भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम जो भी यहाँ पर अपनी डाइट लेते हैं खाने में, सब्जियाँ वगैरह, हम उसमें ऐसी सब्जियां चूज़ करें जिसमें हाई फाइबर, हाई प्रोटीन होता है। हर अपने डेली डाइट में एक फ्रूट ऐड करें, जिससे हमारे शरीर में इस टाइप की कमी नहीं होगी, तो हमें इस सिरप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरली हमें फ़िट रहना है।
ये तो एक तरह का ड्रग है, कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते ही होंगे, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते। अपनी लाइफ को स्वस्थ बनाने के लिए ये चीज़ें तो करें ही, साथ ही साथ यहाँ पर अल्कोहल को अवॉइड करें, स्मोकिंग नहीं करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।